फायरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट हाइट 260 और बंदूक से बाहर निकली। अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की आउटर लेयरिंग को हटा दूं तो इसके अंदर है ये चार लेयर। पहली ये सेरेमिक लेयर, दूसरी ये एरामिड फाइबर लेयर, तीसरी ये वर्टेक्स लेयर और चौथी ये पॉली एथिलीन लेयर। सबसे पहले बुलेट इस सेरेमिक लेयर से टकराएगी। सेरेमिक लेयर बुलेट की स्पीड को कम कर देगी प्लस इसकी शेप को कुछ इस तरह डीफॉर्म कर देगी। इसके बाद बुलेट इस एरामिड फाइबर लेयर से टकराएगी। एरामिड फाइबर लेयर स्टील से भी ज़्यादा मजबूत एक टाइटली वेव्ड फाइबर है। बुलेट के कॉन्टैक्ट में आने से ये पीछे की ओर स्ट्रेच हो जाएगी और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसको चीरते हुए बुलेट वर्टेक्स लेयर से टकराएगी। वर्टेक्स लेयर और कुछ नहीं, एरामिड फाइबर लेयर का अपग्रेड वर्जन है जो कि और ज़्यादा टाइटली वेव्ड रहता है। इसके बाद बुलेट पॉली एथिलीन लेयर के कॉन्टैक्ट में आएगी। पॉली एथिलीन लेयर के कॉन्टैक्ट में आने से इसका कॉन्टैक्टिंग पार्ट पिघल जाएगा और इसे यहीं पर जकड़ लेगा। ऐसी 3D वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।